गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ. टुडे वी विल कंटिन्यू द सेकेंड चैप्टर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. इन द प्रीवियस क्लास आई एक्सप्लेन दिस चैप्टर. सो टुडे आई विल सॉल्व द एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर. ओके सो लेट्स स्टार्ट नाउ. ओपन द एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर. एक्सरसाइज ए. Underline the subject in these sentences. One has been done for you. क्या करना है आपको इसमें? आपको इस सेंटेंस में जो यहाँ दिए गए हैं इनमें आपको सब्जेक्ट बताना है. सब्जेक्ट के नीचे आपको अंडरलाइन करना है. सो एक सेंटेंस फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फर्स्ट वाला बताया गया है. मुस्कान प्लेज चेस वेरी वेल. सो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? मुस्कान. क्योंकि चेस खेलने का काम को चेस बहुत अच्छा चेस कौन खेलता है? मुस्कान. तो मुस्कान यहाँ पे हो गई सब्जेक्ट. ओके सो इसी तरह आइए आगे कंटिन्यू करते हैं. सेकेंड है सुसान ब्रोक द ब्लू बोल. तो सुसान यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा. थर्ड आपका है द बैट्समैन हिट अ फोर ऑन द फर्स्ट बॉल. सो द बैट्समैन इज अ सब्जेक्ट. फोर्थ आई वॉच फिल्म ऑन टेलीविजन. सो आई सब्जेक्ट. फिफ्थ सुमित्स ग्रैंडफादर हेल्प हिम विद हिज होमवर्क. सो सुमित ग्रैंडफादर्स क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा. क्योंकि सुमित की हेल्प जो है वो कौन करता है, यानी इस सेंटेंस में काम कौन करा रहा है? ग्रैंडफादर. सो सुमित्स ग्रैंडफादर उसकी क्या करते हैं? उसके होमवर्क करने में उसकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं. सो सुमित्स ग्रैंडफादर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा. इसी तरह से सिक्स है डज नॉट ही टेक कॉफ़ी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा. हमने आपको जब पिछली क्लास में जब मैंने आपको ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट लेसन एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में नहीं आता है. कभी कभी इन केस ऐसी कंडीशन भी आती है कि सब्जेक्ट आपका बीच में भी आ सकता है एंड सब्जेक्ट आपका लास्ट में भी आ सकता है. सो इसमें आपका सब्जेक्ट देखिए बीच में आया है. ठीक है. फिर सेवन्थ है द वुड कटर सेट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर. इसमें क्या सब्जेक्ट हो जाएगा? द वुड कटर. एट है ईशा इज टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी. सो ईशा इज अ सब्जेक्ट. नाइन कीप द फायर्स गोइंग ऑन. तो द फायर्स आपका सब्जेक्ट. ओके सो टेंथ है माई पेरेंट्स विल रीच दिल्ली नेक्स्ट वीक. सो माई पेरेंट्स आपका सब्जेक्ट हो गया. इलेवेंथ द टीचर गेव अस अ लेसन टू रीड. तो द टीचर आपका सब्जेक्ट. ट्वेल्थ प्लम्बर इज अ पर्सन हु फिक्स टेप्स एंड पाइप्स. तो प्लम्बर आपका सब्जेक्ट. क्लियर है? सेकेंड आपका है बी आपका है अंडरलाइन द प्रेडिकेट्स इन दीज सेंटेंसेस. सो ऊपर की ए एक्सरसाइज में आपको सब्जेक्ट बताना था, देन बी एक्सरसाइज में आपको प्रेडिकेट बताना है. तो आई थिंक सभी को पता है, अगर सबने अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो सबको पता है कि सब्जेक्ट के बाद का सारा पोर्शन जितना भी रिमेनिंग पोर्शन होता है, बचा हुआ पार्ट होता है सब्जेक्ट के बाद का, वो हमारा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है. ठीक है. तो फर्स्ट आपका है वरुण वेंट टू मलेशिया यस्टरडे. ये ऑलरेडी आपका सॉल्व है. सो वेंट टू मलेशिया यस्टरडे ये आपका प्रेडिकेट है क्योंकि इसमें वरुण क्या है? आपका सब्जेक्ट है. तो आपको प्रेडिकेट बताना है तो वरुण को छोड़कर अब यहाँ पर वेंट टू मलेशिया यस्टरडे पर क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे. इसी तरह से नीचे सेकंड सेंटेंस में किंग आर्थर एंड हिज मैन वर ब्रेव नाइट्स. तो यहाँ पर आपका प्रेडिकेट क्या हो जाएगा? वर ब्रेव नाइट्स. थर्ड है आपका द भटनागर्स हाउस हैज़ अ ब्यूटीफुल लॉन इन फ्रंट. हैज़ अ ब्यूटीफुल लॉन इन फ्रंट आपका प्रेडिकेट. फोर्थ दोज वाइट स्वान्स लुक ब्यूटीफुल. तो लुक ब्यूटीफुल आपका प्रेडिकेट हो गया. फिफ्थ है अनस्टॉपेबल इज माई फेवरेट हॉलीवुड मूवी. सो इज़ माई फेवरेट हॉलीडे मूवी आपका प्रेडिकेट हो गया. सिक्स्थ है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. सो इज़ द बेस्ट पॉलिसी आपका
predicate. Seventh, my sister is a good badminton player. तो is a good badminton player आपका क्या हो गया, predicate. Eighth है the vast forest lay in front of us. तो lay in front of us आपका क्या हो गया, predicate. Open the next page. Ninth है सिंधबाद saw an enormous bird in the sky. तो सिंधबाद आपका सब्जेक्ट, सो उसके बाद का सारा पोर्शन सौ के बाद का आपका क्या हो गया, सौ एन इनॉर्मस बर्ड इन द स्काई, प्रेडिकेट. टेंथ है द प्लम्बर इज मेंडिंग द पाइप. तो इज मेंडिंग द पाइप, प्रेडिकेट. इलेवेंथ, सुमित्स ग्रैंडफादर हेल्प हिम विद हिज होमवर्क. तो हेल्प हिम हिज होमवर्क, ये आपका प्रेडिकेट हो गया. ट्वेल्थ है माही वेंट टू द जू यस्टरडे. सो वेंट टू द जू यस्टरडे आपका प्रेडिकेट हो गया. So exercise A and B complete now. So remaining exercise in this chapter I will solve the next class. Okay class, thank you.